अज पूरी दुनिया विच मुस्लिम भाईचारे वालों बकरीद दा त्यौहार जिसनू ईद उल अजहा भी कहा जाता है बड़ी ही धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। जलंधर विखे अज इस त्यौहार मौके गुलाब देवी रोड उपर स्थित ईदगाह विच मुस्लिम भाईचारे के हजारा लोगों ने इकट्ठे होकर नमाज पढ़ी और एक दूजे नूं इस त्यौहार की बधाई दी। इस मौके मुस्लिम भाईचारे के आगुआ ने कहा कि बकरीद का त्यौहार मुस्लिम भाईचारे का दूसरा सब तो वड्डा त्यौहार है जिसनू 10 जुलाई नूं बड़ी ही धूमधाम नाल मनाया जाता है। अमजद अली खान साहब जनरल सैकटरी मुस्लिम संगठन पंजाब तो सारे ही देशवासियों का अज बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरे मुस्लिम संगठन पंजाब की तरफ से सभी भाइयों को पूरे देशवासियों को हम दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं। और जैसे कि हमारे नईम खान एडवोकेट साहब ने बताया कि ये एक जानवर की कुर्बानी नहीं है, बेशक ये जानवर की कुर्बानी नहीं है, ये अपनी अना मैं और घमंड सभी को त्याग कर हमें आपस में भाईचारे का एक पैगाम देना चाहिए। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर माहौल बने हुए हैं उस तरीके के माहौल हमने पहले कभी नहीं देखे, लेकिन आज हम सबको ज़रूरत है कि मिलजुल कर हम सभी लोग ईद का त्यौहार मनाएं और अपने अपने घरों में एक चीज़ का मैं सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करूँगा कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ कुर्बानी होती है तो उसका हम सभी लोग पूरे मुस्लिम संगठन की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ सभी मुसलमान भाई उस साफ़ सफाई का ध्यान करके और अपने घरों के अंदर कुर्बानियाँ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अजहा मुबारक मौके के ऊपर गुलाब देवी रोड ईदगाह मस्जिद जलंधर विखे हजारों की तादाद के लोग इतने आए, ईद की नमाज अदा की। मैं नईम खान एडवोकेट प्रेजिडेंट ईदगाह मस्जिद कमेटी और प्रेजिडेंट मुस्लिम संगठन पंजाब अपने वालों अपनी दोनों संस्थावों वालों तो खासकर जलंधर के सारे मुसलमानों वालों पूरी दुनिया के जिते जिते लोग बसते सारे ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हाँ। अज ईद के मौके पर मैं थोड़ी जी जी गल है थानू पोलीटिकली जो सिनेरियो इस वक्त देश के बनया हुआ वा वो भी मैं एक दो गल करना चाहना, क्योंकि अज वैसे तो यह मौका नहीं है, बड़ा मुबारक मौका है, खुशी का मौका है, पर इस हिंदुस्तान दे विच इस भारत मुल्क दे विच हर एक धर्म का व्यक्ति जिहड़ा रहिंदा है, पर कुछ पिछले दिनों तो साढ़े आपसी भाईचारे नूं जिस तरीके नाल तोड़न की कोशिश की जा रही है, सानू धर्म के नाम से आपस दे विच लड़ाउण दी जिहड़ी कोशिश की जा रही है ये वो लोग कर रहे ने जिहड़े लोग इंसानियत के दुश्मन हुंदे ने। अज मैं अपनी पूरी कौम वालों पूरी कम्यूनिटी वालों अपनी संस्थावों वालों मैं सारे देशवासियों को एक पैगाम देना चाहना कि हिंदुस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिथे हर एक व्यक्ति अपने पूरे तरीके नाल हर एक राइट नू इंजॉय करन दी आज़ादी है, फ्रीडम आ, उस फ्रीडम नू खोण की कोशिश की जा रही है। जदों फ्रीडम नू खोण की कोशिश की जाऊगी ओबियस है कि लोगों के मन के पीड़ा पैदा होएगी, लोग एक दूसरे नाल लड़न की कोशिश करेंगे, एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। पर मैं आम देशवासियों को अपील कर रहा कि आपस के उन्हें पोलीटिकल ताकत जो लड़ाना चाहती हैं जी स्थानीय ताकत सानू लड़ाना चाहती हैं इन ताकतों तो अलर्ट हो जाओ तो आपस के भाईचारा कायम रखो। आपसी जो भाईचारा इतनी बड़ी ताकत कोई नहीं, जे असी वर्ल्ड की एक ताकत बनना चाहते हैं तो सानू आपस के मिलजुल के रहना पड़ेगा। एक गल दूजी गल है अज ईद उल अजहा जिहड़ा त्यौहार है एक इदा का त्यौहार आ, ये एक पूरी इंसानियत में एक मैसेज दिता है, इनू असी बकरा ईद कह दें, एक कुरबानी की ईद है। कुरबानी आम तौर पर लोग जानवर की करते हैं, अल्लाह की राह जानवर कुरबान करने का मतलब हुंदा अल्लाह की राह अपने माल नू कुरबान कर देना, अपने माल नू लुटा देना। इस बकरा ईद नू भी लोगों ने गलत तरीके नाल पेश करने की कोशिश की गई है, पर बकरा ईद का जिहड़ा मेन मकसद है ईद उल अजहा का जिहड़ा मेन मकसद है वो सिर्फ माल की कुरबानी देना नहीं है। इस ईद के राही असी पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहते भी लोगों ने गलत तरीके नाल पेश करने की कोशिश की गई है, पर बकरा ईद का जिहड़ा मेन मकसद है ईद उल अजहा का जिहड़ा मेन मकसद है वो सिर्फ माल की कुरबानी देना नहीं है। इस ईद के राही असी पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस ईद के मौके पर एक पैगाम यह भी है कि तुसी अपनी जिहड़ी ईगो है उन्हों भी इस पवित्र मौके पर कसम खाओ कि तुम कुरबान कर दोगे। आपस के जिहड़ा रंजिश है
तुहाडे दिलां दे विच जिहड़ी किना आ जां दिलां दे विच तुहाडे जिहड़ा हैगा एक दूसरे के प्रति एक जिहड़ी घृणा पैदा हो चुकी है उहनूं भी दूर करन दी जिहड़ी उहनूं भी कुरबान करन दा अज दिन है। आपस दे विच जिहड़ा इंसान दे मन दे विच उहदी नफ्स जिहड़ी लालच नाल भरी होई है उस लालच नूं भी कुरबान करन दा अज दिन है। अज दिन एक भाईचारक एकता दा दिन है। मैं एंड दे विच तुहानूं सारिआं नूं मीडिया दे जिहड़े सज्जन पहुंचे आ उहनां दे राहीं सारी भारत दे विच जिन्ने भी लोग बस रहे आ दुनिया के जिन्हें लोग बस रहे उन्हें सारे मैं अज इस मुबारक मौके पर अपील कर रहा कि इस भारत की तरक्की दे विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। वो हिस्सा तो असी ता ही पा सकते हैं कि असी एकजुट होकर इस भारत की तरक्की लिए काम करांगे। मैं एक बार फिर तुहानू सारयां ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करदा। मैं हुण अपील करूँगा जनरल सैकटरी साहब खड़े आ चेयरमैन साहब खड़े आ ये भी तुहानू मुबारकबाद देने की कोशिश करेंगे प्लीज़। इस तरह पंजाब की सब तो वड्डी आबादी वाले मुस्लिम भाईचारे के शहर मलेरकोटला विखे भी एशिया की सब तो खूबसूरत वड्डी ईदगाह विखे हजारों की गिनती में मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने पहुंच के ईद उल बकरीद की नमाज अदा की एक दूजे को गले लग के ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके मलेरकोटला के विधायक जमील उर रहमान ने भी आवाम को इस दिन की मुबारकबाद दी। इस्लाम धर्म के ईद उल अजहा का त्यौहार सब तो बड़ा त्यौहार मनिया गया है क्योंकि एक कुरबानी का प्रतीक है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस सुन्नत है उन्हों की एक कुरबानी उदों ही चली आ रही है। कुरबानी का मतलब यह नहीं है भी असी एक बकरे हलाल करके ही अपना एक जाबता पूरा करते हैं सगों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जी उस वेले की कुरबानी अल्लाह के राह दी हुई थी उन्होंने ही एक याद करते हुए असी कुरबानी करते हैं क्योंकि कुरबानी तो वड्डा कोई भी कम है कुरबानी के नाल ही निपरे चढ़ते हैं। कोई भी कम इस्लाम है जोड़ा यह भी कुरबानी का ही प्रतीक है। ईद उल अजहा का जो त्यौहार है एक कुरबानी का त्यौहार है। इसकी महत्ता है कि अल्लाह ताला जिस तो खुश होता है किसी किस्म की वह कुरबानी मंगता है तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कुरबानी मंगी गई अपने बेटे की इस्माइल अलैहिस्सलाम की तो कुरबानी उन्होंने अपने बेटे दिती तो उसनों अज याद किया जाता है कि अल्लाह ताला ने तुसी हमेशा याद रखो तो अल्लाह ताला के फरमान की और एक संदेश भी जाता है कि जो तुसी रब दे नाल जुड़ोगे तो रब तुहाडे नाल अपने आप जुड़ेगा रब तुहाडी मदद करेगा। और इस करके अज ईद की नमाज ईद उल अज़हा की जो नमाज है इतने दो रकात नमाज वाजिब अदा की गई है तो लोग बड़ी तादाद च आए हैं और ईद सारे मुस्लिम भाईचारे मैं अपने वालों भी ईद मुबारकबाद पेश करता। अज ईद उल अज़हा का त्यौहार है। इस मौके पर बड़ी ईदगाह मलेरकोटला विखे मैं ईद की नमाज अदा की है और सारे मुस्लिम भरावां अपने वालों और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान साहब वालों ईद दियां बहुत बहुत बधाइयां दित्तियां हन और रब तो दुआ की गई है कि साडे देश के अंदर पंजाब के अंदर मलेरकोटले के अंदर अमन शांति और आपसी भाईचारे का माहौल जोड़ा है वह मजबूत होवे और साडा पंजाब तरक्की करे पंजाब के अंदर खुशहाली आवे पंजाब के सारे वर्गों के लोग खुशहाल जीवन बतीत करन और आम आदमी पार्टी की सरकार मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब की रहनुमाई च पंजाब नू रंगला पंजाब पढ़दा पंजाब हसदा पंजाब खेड़दा पंजाब बनाउण च कामयाब हो। इस तरह मोगा विखे भी आल इंडिया उलामा अते मशाइक बोर्ड वालों ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। मौलाना जमशेद आलम ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके क्लब के शहरी प्रधान सोनू वाहिद ने मुस्लिम भाईचारे नू इस त्यौहार की मुबारकबाद दी। अज बकरीद का दिन है जी बहुत धूमधाम मोगा शहर मना रहे हैं। वैसे तो बकरीद का त्यौहार पूरे देश के दे बहुत खुशियां नाल मनाया जा रहा है। साढ़े वास्ते दिन का अज दिन बहुत बड़ा दिन है। एक कुरबानी का त्यौहार है तो इस कुरबानी के मौके पर असी बकरीद जो ये सिर्फ अपन एक बकरे की कुरबानी या जानवर की कुरबानी नहीं कह सकते। इस मैं जोड़े अजक लोग नफरत की राजनीति कर रहे एक दूजे साडा जो भाईचारा वा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा वा
उन्होंने खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक संदेश भी देना चाहना है कि अज का जो माहौल चल रहा है वा असी लोगों के दिलों में नफरत खत्म करिए, सारे ना पहला कुर्बानी नफरत की देिए, तो आपस के लोगों के प्यार वंडीए। तो मैं थोड़े चैनल राय सबू यही संदेश देना चाहना कि मिलजुल के रहो तो खुशियां मनाओ। तो सारे मेरे वालों एक बार सारे देश में बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद जी। धन्यवाद। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत। ते हाँ, नाल ही दोस्तों नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर के उत्ते खबरों के लिए फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम के उत्ते खबरों के नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी के उत्ते भी वेख सकते हो। ते नाल ही अजीत अखबार का डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।